कालाडूंगी रेंज अंतर्गत गुलजारपुर में एक नर गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गुलदार के शरीर में चोट का निशान है। गुलदार की मौत किसी वाहन की चपेट में आने या अन्य किसी हादसे की वजह से होना माना जा रहा है। गुलजारपुर के प्रधान से वन विभाग के अधिकारियों को तुरई के एक खेत से सटे नर गुलदार का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। क्षेत्रीय वन अधिकारी मुकेश जोशी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नर गुलदार की उम्र करीब 4 साल मानी जा रही है। उसके सभी अंग सुरक्षित मिले हैं। DFO दिंगत नायक और SDO किरण साहब भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण कर जांच की। स्वस्थ में मिला है हमें चकलवा बीट में, तो प्रथम दृष्टि तो यही लग रहा है कि इसमें कुछ घाव का निशान है, तो आपसी संघर्ष का भी हो सकता है या कोई एक्सीडेंट के कारण भी हुआ हो सकता है। अभी हम हमारे दो डॉक्टर पैनल आ रहे हैं, तो वो जब पोस्टमार्टम करेंगे और इसका सैंपल जब IVRI बरेली भेजेंगे उसके बाद और क्लैरिटी आ जाएगा। तो यही है, गांव की ओर बढ़ रहे हैं तो हम इसका सावधानी रखते हुए हमारा स्टाफ पर दिन रात इसका गश्त भी कर रहे हैं और बार बार गांव वालों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि कहीं रात के समय में अकेले में मत जाया करिए और बच्चों को खासकर उनको बाहर ना जाने दीजिए रात के समय में, और अपना सावधानी तो रखिए। और उसके साथ साथ हमारा टीम भी घूम ही रही है और जहाँ जहाँ इसका मूवमेंट है वहाँ पर हम कैमरा ट्रैप लगा के उसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।